कैसे हैं भाई साहब? तो अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, दिशा पाटनी और तारा सुतरिया की फिल्म जिसका नाम है एक विलन रिटर्न, उसके रिलीज के 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं। क्या हाल है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का? क्या ये फिल्म डिजास्टर है, हिट है, फ्लॉप है, ब्लॉकबस्टर है? कौन सी कैटेगरी में ये फिल्म अभी चल रही है? कलेक्शन की बात करेंगे, ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे और मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा कि जो फिल्म है वो अभी कौन सी कैटेगरी में चल रही है। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं। तो ऑक्यूपेंसी इसकी 5वें दिन रही थी 8.47%, मॉर्निंग शो में थी 6.61%, आफ्टरनून शो में 8.68%, इवनिंग शो में 9.48% और नाइट शो में 9.12%। इस तरह से इस फिल्म के 5वें दिन के शो चले थे। कलेक्शन की बात करूँ तो संडे तक तो कलेक्शन इसका अच्छा रहा था, लेकिन मंडे के बाद इसका बड़ा सा ड्रॉप चालू हो गया है। मंडे इसका 3 करोड़ 2 लाख रुपए हुआ था और ट्यूसडे के दिन 2 करोड़ 84 लाख रुपीज हुआ है। तो 5 दिन का टोटल कलेक्शन हो रहा है 29 करोड़ 40 लाख रुपए, जो कि इस फिल्म का बजट है करीबन करीबन 60 लाख रुपए। तो इस फिल्म को पहले तो फ्लॉप होने के लिए बजट तक पहुंचना पड़ेगा। मानो कि अगर ये फिल्म 50-55 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती है तो शायद ये फिल्म हिट कैटेगरी में जा सकती है और जाएगी भी, लेकिन अभी तो सिर्फ 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है। अब जो देखते हैं आगे कि 5 या 10 दिन के अंदर अंदर इस फिल्म का 10-15 करोड़ का कलेक्शन हो जाता है तो शायद ये फिल्म हिट कैटेगरी में आएगी, लेकिन अभी ये फिल्म पूरी तरह से डिजास्टर कैटेगरी में चल रही है। तो आपको क्या लगता है भविष्य में ये फिल्म 50 से 60 करोड़ के आसपास पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।